फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको 20 प्लस ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स बताने वाली हूँ जो कि आपका अक्टूबर का गार्डन फूलों से भर देंगे। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट का जो पहला पौधा है वो है हमारा ब्लू क्लस्टर वाइन, छोटे छोटे नीले फूलों वाला पौधा और जो कि पॉलिनेटर्स को बेहद ज़्यादा पसंद होता है। और ये बहुत ही हैवी ब्लूमर होता है और अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में आपके गार्डन में फूल ही फूल कर देगा। बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग ये वाइन होता है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग भी होता है और आप देख ही सकते हो कि कितने अच्छे नंबर्स में इसमें फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट भी होता है। तो अगर आपने अभी तक ये पौधा अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो इस अक्टूबर मंथ इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में लेके आएँ और पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में भर जाएंगे। बीज, बटरफ्लाईज, हमिंग बर्ड सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो पहला पौधा हो गया जैक मोंटिया। अगला पौधा इस लिस्ट का बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला है आइजोरा। आइजोरा भी बहुत ही हैवी ब्लूमर प्लांट्स होते हैं और अक्टूबर मंथ में ये आपके गार्डन में फूल ही फूल कर देंगे। बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और बहुत ही बंचेस में फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा आपको काफ़ी सारे रंगों में मिल जाता है। आप अपना फेवरेट कलर अपने गार्डन में ऐड करके और अपने गार्डन में खूबसूरत रंग बिखेर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पौधा इस लिस्ट का है हमारा श्रिम्प प्लांट। श्रिम्प प्लांट जिसे लॉलीपॉप प्लांट भी बोलते हैं और ये मेरा जो है ऑरेंज कलर का है और इसमें येलो कलर भी आता है और इसमें भी काफ़ी हैवी फ्लावरिंग होती है। और आप देख ही सकते हो कि मेरे इस प्लांट में कितने सारे फ्लावर्स ब्लूम किए हुए हैं और ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो भी होता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, आपको कहीं भी दिख जाता, तो आप इसकी छोटी सी कटिंग भी इस तरह अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है बटरकप। बटरकप कई जगह पर वीड्स की तरीके से ग्रो कर होता है और ये भी बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है और पॉलिनेटर्स को भी बहुत पसंद होता है। इसके फ्लावर्स आप देख सकते हो, छोटे छोटे येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसमें बहुत सारे सीड्स बनते हैं, बिल्कुल मैक्सिकन पिटूनिया के तरीके से। तो बहुत जल्दी आपके पास बहुत सारे पौधे भी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है पर्सलेन। बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला ये पौधा भी मस्ट हैव प्लांट होता है अक्टूबर में, जब धूप तेज़ होती है और हल्का सा मौसम शाम को ठंड सा भी हो जाता है, तब भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। और ये भी प्लांट काफ़ी सारे कलर्स में आता है तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का बहुत ही खूबसूरत बेगम बहार होता है और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है अक्टूबर मंथ में। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो इसमें फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है देखने में, लेकिन जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाता है इसमें आपको नंबर ऑफ फ्लावर देखने में ज़्यादा मिलते हैं और इसमें आपको एक डार्क पर्पल शेड भी आता है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने अक्टूबर गार्डन के लिए। अगला पौधा इस लिस्ट का है हाइब्रिड कनेर। कनेर देसी वाले भी खूब अच्छी फ्लावरिंग करते हैं अक्टूबर मंथ में और हाइब्रिड कनेर में कुछ ज़्यादा ही फ्लावरिंग होती है। जैसे जैसे मौसम थोड़ा अच्छा होता जाता है हाइब्रिड कनेर में आपको ज़्यादा ज़्यादा फ्लावरिंग देखने मिलेगी। आप देख ही सकते हो कि मेरे इन दोनों प्लांट्स में कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है और ये कुछ टाइम पहले ही मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है, बट आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स में फ्लावरिंग हो रही है। तो कनेर भी बड़ा मस्ट हैव प्लांट होता है आपके अक्टूबर गार्डन के लिए और ये बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट होता है। तो आप अपने गार्डन में एक बार ले आते हो तो सालों साल आपके साथ बना भी रहता है। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है टिकोमा। पिंक टिकोमा है ये मेरा और इसमें जितने भी टिकोमा आते हैं, ऑरेंज वाले टिकोमा, येलो वाले टिकोमा, सभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो पिंक वाला है इसका तो खास अक्टूबर ऑनवर्ड जो है नवंबर जैसे आएगा तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने में मिलती है। और इस पौधे में आपको जो है जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो फ्लावरिंग कम देखने में मिलती है या नहीं भी मिलती है। मेरे इस प्लांट में ये 1 ईयर पुराना प्लांट है और इस प्लांट में गर्मी जब बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो फ्लावरिंग नहीं हुई थी और अब जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है इसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो बिल्कुल टिकोमा भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है अक्टूबर मंथ के लिए और ये बोरी चोरी वाली वैरायटी है, ये तो बहुत ही हार्डी होती है और सीड से और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो कहीं से भी आपको इस प्लांट की कटिंग मिले तो आप इसको ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है हाइब्रिड हिबिस्कस।
हिबिस्कस सारे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं अक्टूबर मंथ में, लेकिन हाइब्रिड के लिए खास जो है अक्टूबर नवंबर के मंथ बहुत अच्छे रहते हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड भी नहीं होती है और बहुत तेज़ गर्मी भी नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जाएगा, आप अगर हाइब्रिड हिबिस्कस को अपने गार्डन में अभी तक ऐड नहीं कराया तो ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि इसमें आपको कलर ऑप्शन भी बहुत ब्यूटीफुल मिलते हैं और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। नेक्स्ट इस लिस्ट का प्लांट है थल कमल, जो कि बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है, काफ़ी बड़े साइज का इसका फ्लावर होता है और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं और पैटर्न भी मिल जाते हैं, डबल पेटल में भी जैसे आता है। अगला होता है इस लिस्ट का है फ्रेंड प्लम्बैगो। प्लम्बैगो में काफ़ी अच्छे बंचेस में ब्लूम होते हैं और इसमें वाइट कलर भी आपको मिल जाता है। ये मेरा ब्लू वाला है और आप देख ही सकते हो उसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, तो छोटे छोटे जो है बंचेस में ब्लूम्स आते हैं और एक फ्लावर की लाइफ भी 2-3 दिन होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है जो कि पॉलिनेटर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। अगला पौधा इस लिस्ट का है क्लिमैटिस। क्लिमैटिस तो मैंने कई सारी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया भी है कि जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है इसमें फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया से हो रही है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये, तो बिल्कुल क्लिमैटिस को भी आप अपने गार्डन में इस टाइम ऐड कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है, और इसमें खूबसूरत फूलों के साथ साथ खुशबू भी बहुत ही प्यारी होती है, तो ये भी एक मस्ट हैव प्लांट होता है जो कि आपको नवंबर तक अच्छी प्लानिंग करके देता है। इसके बाद हाइब्रिड लैंटाना भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं और बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं और शेड भी इसमें आपको काफ़ी वाइब्रेंट मिल जाते हैं। देसी वाली जो वैरायटी होती है उसमें तो आपको इतने अच्छे कलर ऑप्शन नहीं मिलते हैं जितने हाइब्रिड में मिल जाते हैं, तो हाइब्रिड लैंटाना भी बहुत ही मस्ट हैव प्लांट होता है आपके अक्टूबर गार्डन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो प्लांट इस लिस्ट का है वो है मिराबिलिस जलापा, और इस प्लांट को गुलियाबासी भी बोलते हैं और इसमें आजकल बहुत ही प्यारे प्यारे शेड मिल जाते हैं, जैसे ये मेरा येलो वाला है और इसमें मजेंटा भी आता है, मजेंटा येलो के शेड में भी आता है, वाइट भी आता है, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं और ये भी प्लांट बहुत इजी टू ग्रो होता है। इसके बाद जो फ्रेंड प्लांट है इस लिस्ट का वो है तगड़ चांदनी भी बोलते हैं, तो ये मेरा पिंक वाला है, वाइट वाला भी आता है, उसमें हाइब्रिड भी आते हैं, तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं चांदनी में, डबल पेटल, सिंगल पेटल, ड्वार्फ वैरायटी, तो चांदनी भी बहुत ही अच्छा हैवी फ्लावरिंग प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला नाग चंपा, और ये भी बहुत ही हार्डी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जो कि आपको पूरे अक्टूबर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करके देता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है फ्रेंड्स मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर्स का क्या कहना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, फ्लावर्स की लाइफ जबकि ज़्यादा नहीं होती है, फ्लावर्स बहुत जल्दी स्पेंड हो जाते हैं, लेकिन जब ये खिलते हैं तो बहुत अच्छी नंबर्स में इसमें फ्लावरिंग होती है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और जो कि आप सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे प्लांट में, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, पिंक, वाइट, लाइट पिंक, डार्क पिंक, बहुत सारे शेड इसमें आपको देखने में मिल जाते हैं, तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का बहुत ही हैवी फ्लावरिंग प्लांट जो कि है ड्वार्फ एलमेंडा या चाइनीज एलमेंडा भी बोलते हैं इसे, और ये आपको जितनी अच्छी गर्मियों में फ्लावरिंग नहीं देता, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है उतनी अच्छी आपको ये अक्टूबर ऑनवर्ड्स फ्लावरिंग करके देता है, और ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे येलो फ्लावर्स इसमें आते हैं जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स में ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है बहुत ही खूबसूरत हमारा अपराजिता बेल। अपराजिता की बेल भी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है ये, और इसके फूल आप पूजा में भी रख सकते हैं, तो इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो। अगला जो प्लांट है वो है क्रैनबेरी हिबिस्कस। क्रैनबेरी हिबिस्कस भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सीड भी बनते हैं, तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है, वो कहीं भी दिखता है, तो आप इसे सीड्स कलेक्ट करके भी ग्रो कर सकते हो, कटिंग भी इसकी बहुत आसानी से लग जाती है और इसमें भी बहुत अच्छे नंबर्स में फ्लावरिंग होती है, तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट रहता है अक्टूबर मंथ के लिए। नेक्स्ट प्लांट जो कि बहुत ही हार्डी, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, जिसे कम पानी और कम खाद में अच्छे से ग्रो कर जाता है, वो है बोगनविला। बोगनविला में आपको काफ़ी ब्राइट ब्यूटीफुल शेड्स मिल जाते हैं और आपके गार्डन को में कलर्स ऐड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये प्लांट,
और बहुत ही हैवी ब्लूमर भी होता है। बस इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है और ये आपको काफ़ी अच्छे नंबर्स में फ्लावरिंग करके देता रहता है। इसके बाद इस टाइम आप हाइब्रिड विंका को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड विंका थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ती तब भी इन्हें प्रॉब्लम होती है और बारिश के मौसम में ये गलने लग जाते हैं। तो अब सही समय आ गया है जब आप हाइब्रिड विंका को भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्लांट इस लिस्ट का है बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले अडेनियम्स। अडेनियम्स को भी आप अपने गार्डन में इस टाइम ग्राफ्टेड वैरायटी के अडेनियम्स को भी ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं जब तक तेज़ जाड़ा नहीं पड़ जाता है। तो आप देख ही सकते हो कि मेरे ये सारे हाइब्रिड अडेनियम्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग इस टाइम कर रहे हैं। तो देसी वाले भी करते हैं, देसी वाले तो पूरी गर्मी करते हैं, बट हाइब्रिड जो भी प्लांट्स होते हैं मैंने देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हाइब्रिड जब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है तो हाइब्रिड प्लांट ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पौधा इस लिस्ट का है मालती। मालती, जूही, जैस्मिन, इस तरीके के जितने भी प्लांट्स होते हैं, पारिजात, सभी बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करते हैं अक्टूबर नवंबर मंथ्स में, तो इन्हें आप बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।